प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बेबी बॉय होने के सिम्टम्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी काफ़ी हेल्दी चल रही होगी, काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में बेबी बॉय होने के बहुत ही खास और सटीक निशानियां मैं बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 या 3 सटीक निशानियां बताऊंगी। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे प्रेगनेंसी में मैंने इस सिम्टम्स को देखा है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है तो काफ़ी महिला पर सटीक ही बैठेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से सारे सिम्टम्स को मैं शेयर करती हूँ और यदि आप गर्भवती हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज का जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे महीने के ही सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो सबसे पहला सवाल होता है कि हमें क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। हालांकि आप जेंडर में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते मुझे पता है, लेकिन एक जानने की उत्सुकता और जिज्ञासा बनी रहती है। तो उसी उत्सुकता और जिज्ञासा को काम करने के लिए आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले कि अगर आपका सेकेंड यानी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है, तो उस समय आपको यानी कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा, तो यह एक माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जब एक लड़की होती है तो गर्भवती स्त्री को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा आती है, वो चीज़ खाने से अच्छी तरीके से पच नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा ही वोमिटिंग की समस्या होती है। और ये भी बोला जाता है कि जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा उबकाई आती है बट मॉर्निंग सिकनेस नहीं आती है, उल्टियाँ नहीं होती है, तो एक यानी कि बेटा होने का संकेत माना जाता है। अगला सिम्टम्स ये भी है दूसरे महीने में कि जिन महिलाओं का दूसरे महीने में जैसे कि मान लेते हैं फेस जो है उस पर बदलाव आने लगा है, डार्क सर्कस आने लगे हैं, थोड़ी थोड़ी पिंपल्स आने लगे हैं और चेहरे का रौनक ख़त्म होने लगा है, तो यह एक लड़का होने का ही संकेत माना जाता है। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को नस की प्रॉब्लम होने लगती है दूसरे महीना में, जैसे कि नस प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको कैल्शियम की कमी होती है। जाहिर सी बात है जब बेबी गर्भ में डेवलपमेंट कर रहा है, बेबी बन रहा है, तो आपका जो भी शरीर का बॉडी का जो भी ब्लड है एक जगह एकत्रित होता है और जब बेबी मतलब कि बनता है गर्भ में तो आपको थोड़ी सी वीकनेस महसूस उस समय होती है, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम की कमी भी महसूस हो सकती है। तो इससे आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको काफ़ी वहाँ पे आपको मतलब कि डॉक्टर उपाय बताते हैं। अगला सिम्टम्स ये भी है कि दूसरे महीने में यदि आपको जैसे कि मान लेते हैं जांघों में दर्द होने लगती है, जांघों में हल्की फुल्की सूजन की समस्या हो जाती है, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं बहुत सारे डिलीवरी देख चुके हैं, तो काफ़ी हद तक जो भी लक्षण बताते हैं सटीक ही होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स मेरे ऊपर सटीक बैठे हैं तो आपके ऊपर भी बैठेंगे, लेकिन एक अनुमानित आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में। मेरा चैनल कोई भी जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, सिर्फ महिलाओं को उत्सुकता और जिज्ञासा को काम करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। खुश रहेंगे तो खुशियाँ बांटेंगे, क्योंकि खुशियाँ बांटना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी को इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ अगले नए वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।